Watch series is down the line to its launch and there is a lot of hype and rumors going on about these devices. तो जैसे कि आप लोगों को लगभग आइडिया लग गया होगा iPhone 12 सीरीज में अब की बार टोटल चार डिवाइसेस मिल रहे हैं. तीन नए मॉडल्स पिछले सीरीज की तरह ही सेम है. जो फोर्थ वेरिएंट है ये iPhone 12 के बेस मॉडल का एक मैक्स वेरिएंट होने वाला है, यानी कि iPhone 12 मैक्स. अब देखो चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, एकदम मिनिमल तरीके से सबसे पहले प्राइस डिस्कस कर लेते हैं. तो iPhone 12 के बेस वेरिएंट की प्राइस 649 USD यानी कि लगभग 48,000 रुपए एक्सपेक्टेड है. और इसी तरह आगे बढ़ते हुए 12 मैक्स की कीमत 55,000, 12 प्रो 74,000 और iPhone 12 प्रो मैक्स की कीमत 81,000 रुपीज एक्सपेक्ट की जा रही है. ये प्राइस टैग देखो मैं USD टू INR कन्वर्जन में बता रहा हूँ. इंडिया में iPhones की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती तो कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट चार्जेस एड होके इन डिवाइसेज की कीमत में 20-40% का इंक्रीज हो सकता है. अब इस प्राइस लिस्ट का अंदाजा तो देखो आपको पहले से ही शायद लग चुका होगा. इंटरेस्टिंगली कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो iPhone 12 और 12 Max इन दोनों डिवाइसेस के LTE यानी कि 4G वेरिएंट्स भी लॉन्च हो सकते हैं, जिनकी कीमत स्टार्ट होगी 549 USD यानी कि सिर्फ 40,000 रुपए से. अब अगर आप इंडिया से बाहर अमेरिकन या फिर यूरोपियन जैसी कंट्री वगैरह में रहते हो तब तो ठीक है, पर इंडिया में इस 40,000 रुपए में भी अप टू 40% का टैक्स ऐड हो सकता है. पर फिर भी iPhone 12 सीरीज एप्पल की अब तक की मोस्ट अफोर्डेबल लाइन में रिन्यू होने वाला है थैंक्स टू इट्स कंपेटिटर्स एंड राइवल ब्रांड्स. अब देखो एप्पल एज अ ब्रांड किसी भी दूसरी कंपनी को अपना कॉम्पिटिटर कंसिडर नहीं करता, पर डीप डाउन मार्केट शेयर्स एंड प्रोडक्ट वैल्यूज में काफी ब्रांड्स एप्पल के कस्टमर्स तोड़ रहे हैं. इस लॉजिक के बहुत से परसेप्शंस बन सकते हैं, पर एप्पल जैसे ब्रांड के लिए 2020 में $300 का आईफोन SE लॉन्च करना एक स्ट्रेट हिंट है कि अब लोग पूरी तरह से अंधभक्त नहीं रहे. बिल्ड एंड डिजाइन की अगर बात करें तो iPhone 12 सीरीज के डिवाइसेस पुराने iPhones जैसे iPhone 4 और 5 की तरह ही बॉक्सी शेप में आने वाले हैं, यानी कि जो साइड बार्स हैं वो iPhone 10 की तरह कर्व नहीं होने वाले बल्कि ये स्लैब डिजाइन होगा, व्हिच इन माय ओपिनियन लुक्स रियली अमेजिंग. फॉर्म फैक्टर भी काफी कॉम्पैक्ट होगा क्योंकि डिस्प्ले साइज भी अब की बार 5.4 इंच से शुरू होने वाली है. iPhone 12 की डिस्प्ले 5.4 इंच रहेगी, यानी ये इस सीरीज का सबसे छोटा डिवाइस होने वाला है. फिर आते हैं iPhone 12 Max और 12 Pro पे, जिनकी डिस्प्ले 6.1 इंच रहेगी. और फाइनली अगर आपको सबसे बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो वो आपको मिलेगी 6.7 इंच की iPhone 12 Pro Max में. एक और गुड न्यूज ये है कि इन सभी मॉडल्स में आपको OLED डिस्प्ले मिलेगी. ये पैनल जो इन डिवाइसेस में यूज हो रहे हैं ये Samsung की तरफ से आने वाले हैं. iPhone 12 Pro और Pro Max इन दोनों डिवाइसेस में आपको हाई रिफ्रेश रेट यानी कि 120 हर्ट्ज की ProMotion डिस्प्ले देखने को मिल सकती है. एंड आई होप कि iPhone 12 के सभी मॉडल्स में बेस रिजोल्यूशन फुल HD प्लस एटलीस्ट मिले ही मिले, क्योंकि iPhone 11 की जो 720p पैनल का डिस्प्ले है वो सच में बहुत ज्यादा घटिया है. 120 हर्ट्ज आजकल देखो हर फ्लैगशिप का एक मिनिमम बेंचमार्क बन चुका है, पर iPhone का क्या है ना कि देखो अगर वो 120 हर्ट्ज का पैनल दे दे और फिर यूजर कंप्लेन करे कि ये लाइक फास्ट रिफ्रेश रेट का पैनल बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन कर रहा है तो ये यूजर एक्सपीरियंस को अफेक्ट करता है. और इस हाई रिफ्रेश रेट पैनल के लिए बैटरी में भी इनफ गुदा होना चाहिए, विच डेफिनेटली दे विल इंक्रीज. बाकी जो नॉच है वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी और इससे डिस्प्ले का रियल स्टेट भी बढ़ जाएगा. टच आईडी मिलने के चांसेस भी बहुत कम है, चाहे इन डिस्प्ले ले लो या फिर साइड माउंटेड. फिंगरप्रिंट का होना फिलहाल एक एक्सेप्शन है. अभी रिसेंटली कुछ रूमर्स भी आ रहे थे कि iPhone 12 सीरीज में चार्जर और ईयरफोन्स नहीं मिलेंगे. रीजन उन्होंने ये बताया कि इससे वो प्राइस को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं. अब देखो मेरे इस बारे में दो ओपिनियंस है. पहला तो ये कि एप्पल इस रूमर को खुद फैला के कॉन्ट्रोवर्सी में आना चाहता है ताकि हाइप बढ़े, और दूसरी बात जो अडेप्टर आपको इस फोन के डब्बे के अंदर मिलता है ना वो बिल्कुल आपको वैसे भी एक फास्ट चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा या ऑलरेडी आपके घर में एक चार्जर पहले से ही होगा, भाई बहन चाचा मामा किसी का भी, अब वो यूज कर लेना. अब iPhone 12 सीरीज में आपको मिलेगा इनका अपना A14 बायोनिक चिप जो 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और इनका ये नया CPU A13 बायोनिक से 400 मेगाहर्ट्ज हायर क्लॉक स्पीड पे रन करेगा, व्हिच मेक्स द A14 13% फास्टर. एंड एप्पल इसमें X66 5G मॉडम यूज करने वाला है, तो 4G वेरिएंट्स को छोड़ के चारों डिवाइसेस 5G रेडी होंगे. कैमरास की अगर बात करें तो देखो iPhone 12 और 12 Max में डुअल कैमरा सेटअप होगा. ये कैमरा सेटअप 12 मेगापिक्सल एट F1.8 वाइड एंड सेकेंडरी 12 मेगापिक्सल एट F2.2 अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ आएगा. iPhone 12 Pro और Pro Max में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें थर्ड मॉड्यूल 12 मेगापिक्सल एट F2.2 का टेलीफोटो लेंस होगा, और फोर्थ सेंसर 3D टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर होगा बेटर डेप्थ डिटेक्शन के लिए. कैमरास का जो अपग्रेड है वो मेजरली iPhone 12 के प्रो सीरीज में मिलेगा. साथ ही एक बड़ी चीज, वीडियो मोड में आप इसके मेन सेंसर से 4K में 240 FPS तक वीडियो कैप्चर कर पाओगे. दिस इज समथिंग जो अभी तक कोई दूसरा मोबाइल ब्रांड नहीं कर पाया. लेट्स सी कि iPhone इसे कितनी आगे तक ले जा सकता है.
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप लोगों को डॉक्टर फोन व्हाट्सएप ट्रांसफर के बारे में बताना चाहता हूं। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपने iOS से एंड्रॉइड या फिर एंड्रॉइड से iOS डिवाइस में अपने व्हाट्सएप की सारी चैट एंड सारा डेटा सिर्फ एक क्लिक करके ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर फोन का जो व्हाट्सएप ट्रांसफर टूल है अगर आप इसे पहले से यूज करते हो तो आपको इसकी अपडेट सेटिंग में एक नया फीचर मिल जाएगा जिससे आप अपने व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट को भी अपने iOS से एंड्रॉइड में या फिर एंड्रॉइड से iOS में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। आपको बस व्हाट्सएप ट्रांसफर में जाना है एंड यहां से आपको अपने जो दोनों डिवाइसेस हैं उन्हें कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद जैसे आप ट्रांसफर पे क्लिक करोगे यहां से आपको एक सोर्स डिवाइस लेना है और एक डेस्टिनेशन डिवाइस लेना है और बस आपको ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है। एंड आपकी जो सारी व्हाट्सएप की चैट है एंड आपका जो व्हाट्सएप का सारा डेटा है वो बिना किसी झंझट के सिर्फ एक क्लिक में कुछ ही सेकंड में सारा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप वहां से इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अब गाइस iPhone 12 सीरीज के बाकी कुछ फीचर्स की अगर बात करें तो आपको इसमें लेटेस्ट iOS बिल्ड 14 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। iOS 14 भी अब एंड्रॉइड की तरह काफी कस्टमाइजेबल हो गया है। वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन के लिए इसमें IP68 सर्टिफिकेशन भी रहेगा और बाकी सारे iPhones के जनरल फीचर्स तो इसमें मिलने ही मिलने हैं, जैसे दोस्तों के सामने चौड़, समाज में इज्जत और मिडिल क्लास बच्चे अगर इसकी डिमांड करेंगे तो घर वालों की तरफ से फ्री की चप्पल सीधा मुंह पे बजेगी। और फाइनली गाइस अगर इसके लॉन्च की बात कर लें तो सितंबर के एंड तक इस डिवाइस की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है। अभी तक फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, ये स्पेसिफिकेशंस भी फिलहाल रूमर्ड है। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो नीचे देखो रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करो एंड पास में जो बेल